भारत में लगभग बाइक के हर शौकीन युवाओं को यामाहा की बाइक्स पसंद आती हैं। हालांकि यामाहा के भारत में सिर्फ यामाहा YZF-R3, यामाहा MT-09 और 150cc की यामाहा MT-15 बाइक्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यामाहा की इन शानदार बाइक्स का क्रेज युवाओं में ज्यादा है। बता दें कि यामाहा ने अपनी 2020 यामाहा MT-03 को पेश कर दिया है, और अगर आप भी यामाहा की बाइक्स के दीवाने हैं और अगले साल एक नई बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यामाहा MT-03 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बता दें कि कंपनी MT-07 और MT-03 को फिलहाल भारत में नहीं बेच रही है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक यामाहा अगले साल अपनी स्ट्रीट फाइटर 321cc मॉडल को लॉन्च कर सकती है, क्योंकि अभी के समय में भारत में 250 से लेकर 400cc बाइक्स का सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इंजन की बात करें तो यामाहा MT-03 में 321cc का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन दिया जाएगा, जो कि 29.06 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 41 BHP की पावर जनरेट करता है। फीचर्स की बात करें तो नई यामाहा MT-03 में नई डिजाइन, LED डे टाइम रनिंग लाइट और एक ट्रिपल हेडलाइट डिजाइन के साथ LED प्रोजेक्टर दिया जा सकता है, जैसा कि यामाहा MT-15 में दिया गया है। खबरों के मुताबिक कंपनी इस बाइक में LCD स्क्रीन ऑफर कर सकती है और ये बाइक यामाहा R3 पर बेस्ड होगी, लेकिन बाइक में चौड़ा और अपराइट हैंडल बार दिया जा सकता है। लॉन्च होते ही भारत में यामाहा MT-03 का मुकाबला सिंगल सिलेंडर KTM 390 ड्यूक और BMW G310R से होगा। कीमत की बात की जाए तो एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में इसकी अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 3,25,000 रुपए से लेकर 3,35,000 रुपए के बीच हो सकती है। तो आपको यामाहा की बाइक्स पसंद हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।